नमस्कार दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की शुरुआत से ही यानी कि अप्रैल 2024 की शुरुआत से ही सभी मेजर दालों की कीमतें तेज होती हुई दिखी है, खासकर चने और तूर की कीमतें। अप्रैल में चने के भाव अभी तक 500 से 600 रुपए पर क्विंटल तक बढ़ चुके हैं और वहीं तूर की कीमतों में 1500 रुपए पर क्विंटल तक की बढ़त देखी गई है। भारत में दालों की सप्लाई को बनाए रखने के लिए और दालों की कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत का दाल दलहन इंपोर्ट दुगना हो चुका है। अनुमान है कि 2023-24 में लगभग 45 लाख टन से ज्यादा दालें भारत में इंपोर्ट हुई हैं, जो कि 2022-23 में 24.5 लाख टन पे थी। अब इस साल भी दालों की इंपोर्ट में बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है और एस्टिमेट किया जा रहा है कि इस साल दाल दलहन का इंपोर्ट 2023-24 से भी ज्यादा हो सकता है। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से इन दाल दलहन का इंपोर्ट में जो कुल लागत लगती है वो भी दो गुना बढ़ चुकी है। अगर इसे इंडियन करेंसी में समझे तो इंपोर्टेड पल्सेस पे 2022-23 में टोटल लागत 15,780 करोड़ की थी, जो 2023-24 में 97% से बढ़कर 31,071 करोड़ पे जाने की उम्मीद है। अगर इसे फॉरेन करेंसी में समझे तो ये 1.94 बिलियन डॉलर से बढ़कर 3.74 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुकी है। हालांकि अभी तक फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हुए दाल दलहन की इंपोर्ट्स का ऑफिशियल डाटा नहीं आया है, पर अब तक दालों की जितनी भी शिपमेंट्स इंडिया में आई है उनको देखते हुए मार्केट एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि 2023-24 में इंडिया में दाल दलहन का इंपोर्ट 45 लाख टन से ऊपर जा सकता है। 2022-23 में कुल दालों का इंपोर्ट इंडिया में 24.5 लाख टन पे था। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का यहाँ पे ये भी मानना है कि मसूर के रिकॉर्ड इंपोर्ट और पीली मटर पे दी गई फ्री इंपोर्ट ड्यूटी के चलते ओवरऑल पल्सेस के इंपोर्ट फिगर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मसूर का इंपोर्ट 2022-23 में 8.58 लाख टन पे था, जो 2023-24 में बढ़कर 16.11 लाख टन के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने की उम्मीद है। उड़द के इंपोर्ट में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है और ये 5.24 लाख टन से बढ़कर 6.16 लाख टन के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। मगर इन सब के बीच तूर के इंपोर्ट 2023-24 में गिरते हुए दिखे हैं और ये 8.95 लाख टन से घटकर 7.70 लाख टन के आसपास पहुंचने की अनुमान है। अब सरकार ने दालों के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए किसानों को इंसेंटिव देकर लुभाने की कोशिश करी है। अब चाहे वो मार्केट रेट पे खरीद हो या एमएसपी में बढ़त, लेकिन फिर भी इंडिया की इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है। दाल दलहन की बढ़ती कीमतों को देखते हुए गवर्नमेंट मार्केट में बहुत सारी कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। अब चाहे वो स्टॉक लिमिट लगाना हो, स्टॉक की जानकारी देना हो, या इंपोर्ट्स को बढ़ाना हो, या पीली मटर पे काफी सालों के बाद फ्री इंपोर्ट ड्यूटी देना हो, ये सब चीजें एक ही ओर इशारा करती है। अब वहीं इस साल दालों की इंपोर्ट्स और बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। पीली मटर पे दी गई फ्री इंपोर्ट ड्यूटी को जून 2024 तक बढ़ाया गया है, जिससे उम्मीद है कि पीली मटर की बड़ी सप्लाई इंडिया में और इंपोर्ट होगी। वहीं चने और तूर के प्रोडक्शन में इस साल गिरावट का अनुमान है। चने की कीमतें इस फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही बढ़ती हुई दिखी हैं और ये अप्रैल में अभी तक 500 से 600 रुपए पर क्विंटल तक तेज हो चुकी है। तूर में भी अप्रैल की शुरुआत से तेजी बनी हुई है और ये 1200 से 1500 रुपए पर क्विंटल तक बढ़ चुके हैं। अब इन्हीं सबको देखते हुए गवर्नमेंट भी डोमेस्टिक डिमांड सप्लाई को बनाए रखने के लिए और कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए ब्राजील और अर्जेंटीना जैसी नई मार्केट से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे बातचीत कर रही है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से इंडिया ब्राजील से लगभग 20,000 टन के आसपास उड़द इंपोर्ट करेगा और तूर यानी कि अरहर को लेके अर्जेंटीना के साथ बातचीत फाइनल स्टेजेस पे पहुंच चुकी है। अगर अब यहां से ओवरऑल दाल दलहन बाजार के आने वाले दिनों की बात करें तो गवर्नमेंट हर संभव प्रयास कर रही है जिससे बढ़ती कीमतों को कंट्रोल में रखा जा सके और सप्लाई डिमांड के बैलेंस को मेंटेन किया जा सके। पर इस साल तूर और चने का प्रोडक्शन कम हुआ है और कंजम्पशन डिमांड को पूरा करने के लिए इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी आगे बनी रहेगी। पीली मटर के इंपोर्ट को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है जिससे बफर को बनाया जा सके और मार्केट को कंट्रोल किया जा सके। वहीं मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी से तूर की नई फसल को आने में अभी 3 महीने का समय बाकी है और ये अगस्त सितंबर तक आने की उम्मीद है। अब ऐसे में तूर और चने की कीमतों में तेजी दिखने की उम्मीद है। हालांकि गवर्नमेंट बाजार में अगर कोई और हस्तक्षेप करती है या स्टॉक लिमिट लगाती है तो बढ़ती कीमतों को लिमिट लग सकता है। अब आप लोग की इन सब पे क्या राय है मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे ऑफ बिजनेस मंडी चैनल को। दाल दलहन बाजार की ऐसी महत्वपूर्ण खबरें और मंडियों के ताजा भाव आप अपने फोन पर ही देख सकते हैं, तो अभी डाउनलोड करें ऑफ बिजनेस मंडी ऐप। इसका डाउनलोड लिंक मुझे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। इसे आप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद।